खरगोन जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पकड़ी गई करोड़ों रुपए मूल्य की जब्त अवैध शराब का शनिवार को डाबरिया फालिया स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड परिसर में नष्टीकरण किया गया। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ट्रकों के जरिए शराब पहुंचती रही। यहां मौजूद अफसरों का इशारा मिलते ही रोलर शराब की बोतलों पर चलने लगी। खुले मैदान में नष्टीकरण की कार्यवाही की गई, जिसके चलते कई राहगीर शराब की महक से मैदान की ओर खींचते चले आए। सहायक आयुक्त अभिषेक तिवारी के मुताबिक नष्ट की गई शराब पिछले कई वर्षों से जब्त की गई थी। कसावद महेश्वर भिकन गांव बड़वाहा मंडलेश्वर थाना क्षेत्रों में जब्त की थी। ये शराब न्यायालयीन प्रकरणों के निपटारे के बाद कलेक्टर द्वारा गठित टीम की निगरानी में नष्ट की गई। नष्ट की गई शराब का लागत मूल्य 90 लाख बताया गया। खरगोन जिले में आबकारी और पुलिस के कुल 453 प्रकरण ऐसे जो कि 15 से 18 वर्ष पुराने हैं, न्यायालय में जिनका निर्णय हो चुका है और अपील अवधि बीत चुकी है, ऐसे प्रकरणों का कलेक्टर महोदय द्वारा गठित समिति के सामने नष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है। और इनमें लगभग 453 प्रकरण हैं और 33,000 के लगभग मदिरा है, लीटर मदिरा है, और जिसका बाजार मूल्य आज की तारीख में 90 लाख रुपए के लगभग है, उनका नष्टीकरण यहाँ पे किया जा रहा है। कहाँ कहाँ ये आप समस्त खरगोन जिले के जो आबकारी के सर्कल्स हैं वहाँ के मुद्देमाल हैं, और 5 थाने पुलिस थाने हैं उनका भी मुद्देमाल है, बड़वा, कसरावत, खरगोन, मंडलेश्वर, महेश्वर। टोटल कितने केस होंगे? टोटल 453 की प्रकरण है। कितने समय से? ये 15 से 18 वर्ष पुराने प्रकरण हैं जिनका नष्टीकरण यहाँ किया जा रहा है। खरगोन से अब्राहम पठान की रिपोर्ट।